तो आज का अपना जो लेक्चर है ये मध्य प्रदेश राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं इसके संबंध में है। एमपी के प्रतीक चिन्ह जो है हमें इसमें देखने हैं और भी कई सारे टॉपिक में इसमें डिस्कस करूँगा आप लोगों से प्रतीक चिन्ह के अलावा भी। सो एमपी के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। आप लोग इसको नोट करते जाना है, लिखते चले जाना है ना। तो सबसे पहले है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय गान। मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है वो है सुख के दाता सबका साथी। शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, यह मेरा मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। आपको बस एक लाइन याद में रखना है, सुख के दाता सबका साथी। इस तरीके से ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं महेश श्रीवास्तव। इन्होंने वर्ष 2010 में इसको लिखा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। महेश श्रीवास्तव ने वर्ष 2010 में इसको लिखा है और इसको मध्य प्रदेश का राजकीय गान के रूप में अपनाया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो अगर अपन मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा बात करें कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है। ये हिंदी भाषी क्षेत्र में आता है इसलिए यहाँ पे जो राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह, इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, ये 24 स्तूपों की बृहत आकृति है आपकी। 24 स्तूप है और उसकी आकृति है, बृहत आकृति है, और उसमें जो है आपके धान और गेहूं की बालियां हैं दोनों तरफ, ये आपको दिखाई दे। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसमें किसकी बालियां या किसकी कौन सी फसल दर्शाई गई है? तो इसमें धान और गेहूं की बालियां हैं दोनों तरफ इसके, और इसमें बरगद का वृक्ष है और बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। ये जो है मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। फिर से आप समझ लें इसको, 24 स्तूप है इसके चारों तरफ, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे रेड कलर के जो है 24 स्तूप है। गोलाकार आकृति है, ठीक है, इसमें दोनों तरफ गेहूं और धान की बालियां हैं, है ना। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, हम सोयाबीन समझते हैं क्योंकि सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, लेकिन उसको नहीं यहाँ शामिल किया गया है। गेहूं और धान की बालियां यहाँ पे शामिल की गई हैं और बरगद का वृक्ष है, उसके ऊपर अशोक स्तंभ है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है आपका बरगद का पेड़ है। बरगद का वृक्ष जो है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है ना, कि ऐसा पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस वैनगेलेंसिस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। आप इस नाम को अच्छे से समझ लें, लिख लें, क्योंकि आजकल जैसा मैंने बताया कि अब क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है, कुछ घुमा करके कुछ अलग सा पूछा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनगेलेंसिस, ये राजकीय वृक्ष का नाम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है, और लिखना चाहो तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको लिख भी सकते हो, है ना, दोनों काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? सो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और ये बेडरी प्रजाति का है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपका कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये बेडरी प्रजाति से संबंधित है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, रूस वर्स डुवाल सेली, ये इसका वैज्ञानिक। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही है। चलो अभी मैं फिर दोबारा से कह देता हूँ तो दिखने लग जाएगी।
मुझे बता देना दिखने लग जाए तो। आप दिखने लगी? नहीं दिखने लगी है ना, दिखने लगी ना। तो पिछले वाले देख लिए थे, जो लास्ट स्लाइड बताई थी वो तो दिखाई दे रही थी ना। ओके हाँ, दे रही थी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जो बेड़ी प्रजाति का है, और इसका वैज्ञानिक नाम रूस वैस डुवासेली है। ये बारहसिंगा है आपका, माइक ऑफ कर लें, आपके जिसके भी माइक ऑन है वो अपने माइक ऑफ कर दें, ठीक है। इसके बाद में आपके एक और पॉइंट हमें याद में रखना है कि जो राजकीय पशु है उसको 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर 1981 में घोषित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजकीय पशु और राजकीय पक्षी इन दोनों को घोषित किया गया है, ठीक है। अच्छा, इससे संबंधित एक फैक्ट और है मध्य प्रदेश के राजकीय पशु से संबंधित, जो इसमें नहीं लिखा है वो आप लिख लो, कि जो ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है जो बारहसिंगा, ये कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है आपका? कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है, और इसको कान्हा किसली नेशनल पार्क का शुभंकर घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? शुभंकर। शुभंकर का मतलब होता है मस्कट या चिन्ह। वहां का कान्हा किसली नेशनल पार्क का चिन्ह घोषित किया गया है, जो एक प्रतीक चिन्ह होता है, शुभंकर मैं इसमें लिख देता हूं। इसको घोषित किया गया है मध्य प्रदेश के राजकीय पशु को, शुभंकर, ठीक है। सो ये कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है, इसे कान्हा किसली नेशनल पार्क का शुभंकर घोषित किया गया है। और इसका नाम जो वहां पे रखा गया है वो है भूरा सिंह। जो शुभंकर का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है? भूरा सिंह उसका नाम रखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम जो है भूरा सिंह ही रखा गया है, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है इसका, इसको जो है कान्हा किसली का नेशनल पार्क का जो है शुभंकर बनाया गया है, उसका नाम भूरा सिंह रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ना। इसको अपन जब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके संबंध में। तो ये सारी जानकारी जो है मैंने आपको मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के संबंध में बताई, जो कि बारहसिंगा है, बेड़ी प्रजाति का। इन सब में से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। ये ऑलमोस्ट सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे इसमें, कि किस प्रजाति से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। वैज्ञानिक नाम क्या है, कब घोषित किया गया है इसको राजकीय पशु के रूप में। और एक और ये मैंने जो नया फैक्ट बताया है इसमें, कि ये कान्हा किसली नेशनल पार्क का शुभंकर इसको बनाया गया है, यानी मस्कट बनाया गया है कान्हा किसली नेशनल पार्क का। और जो है ये इसका वहां पर नाम जो दिया गया है शुभंकर का, भूरा सिंह इसका नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। सो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर मछली जो है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, ठीक है। ये आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी ये मछली, ये राजकीय मछली है मध्य प्रदेश की। और इसका जो है वैज्ञानिक नाम है टॉर प्यूटिटोरा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का। और 2011 में इसको राजकीय मछली घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके मध्य प्रदेश के राजकीय पशु और राजकीय मछली के संबंध में। इनके वैज्ञानिक नाम याद रखना, टॉय प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर मछली, नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये इसका नाम है, ठीक है। आप इसका क्लिक करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम इसमें बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो व्हाइट लिली। व्हाइट लिली जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। सफेद लिली का पुष्प जो है व्हाइट लिली राजकीय पुष्प है। ये आपका चित्र दिया हुआ है व्हाइट लिली का, और इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम बहुत अच्छे से अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इनके क्वेश्चन बनते हैं वैज्ञानिक नाम से, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हमें इसका नाम वैज्ञानिक नाम याद रखना है, चाहे वो पशु हो, फल हो, या फिर आपका पौधा
पक्षी हो, मछली हो, कुछ भी हो, आपका सबके वैज्ञानिक नाम अलग अलग है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय फल। मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम का फल, ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, मैंगीफेरा इंडिका जो है मध्य प्रदेश के राजकीय फल का नाम है। ये आम का फल है आपका, सभी जानते हैं इसके संबंध में, तो ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय फल है और मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। आपको तो इसका वैज्ञानिक नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य अगर अपन बात करें तो ये कौन सा नाट्य है? मध्य प्रदेश का माच नाट्य है, ठीक है। ये नाट्य है, ध्यान में रखना। नाट्य का मतलब क्या होता है? जिसमें नाटक खेला जाता है, नाटक खेल करके अभिनय करके जो है बताया जाता है, कोई एक किसी कहानी के ऊपर अभिनय करके उसको खेला जाता है तो नाट्य कहलाता है। तो ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है, माच जो है आपका मालवा क्षेत्र का नाट्य है और ये मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य इसको घोषित किया गया है, ठीक है। मालवा क्षेत्र कौन सा कहलाता है आपका? उज्जैन का, उज्जैन रतलाम, ये जो पूरा क्षेत्र है ये मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उज्जैन रतलाम होशंगाबाद सीहोर ये सब मालवा के अंतर्गत ही आता है। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। अभी मैंने आपको राजकीय नाट्य के संबंध में बताया था, अब यहाँ पे राजकीय नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य जो है राई नृत्य है ना, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको बुंदेलखंड में जो है ये राई नाच नाचा जाता है, ये ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। तो माच जो है कहाँ से संबंधित है? मालवा से, और राई कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा होता है आपका? ये जो आपका टीकमगढ़, छतरपुर, अपनी शिवपुरी, दतिया, ये सब जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंडी क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये राई नाच इसी क्षेत्र का है। तो ये नाट्य और नाच ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। नाट्य है माच और राजकीय नृत्य है आपका राई नृत्य, जो कि बुंदेलखंड से संबंधित है। इनके क्षेत्रों का पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। हालांकि मैं आगे आपको केवल एक नहीं है, कई सारे नाट्य अपने मध्य प्रदेश में हैं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित, वो मैं आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा आपको। बट यहाँ पर मैं आपको राजकीय बता रहा हूँ कि राजकीय नाट्य और राजकीय नाच कौन से हैं, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं हम, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। सो राजकीय प्रतीक चिन्ह कौन से हैं मध्य प्रदेश के? नहीं, राजकीय फसल। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो सोयाबीन। ये तो हमें पता ही है, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है आपका सोयाबीन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सोयाबीन उगाई जाती है वो मध्य प्रदेश में ही उगाई जाती है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स जो है इसका वैज्ञानिक नाम है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल का। इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग लिख लेना, क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम साधारणतः मिलता नहीं है। ग्लाइसिन मैक्स इसका नाम है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल का। नेक्स्ट अगर अपन देखें इसमें, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, राजकीय खेल कौन सा है मध्य प्रदेश का? मलखम्ब है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब। ये चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरह का ये जिम्नास्टिक से संबंधित खेल होता है मलखम्ब, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और इसको 2013 में, यानी 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया है। 2013 में इसको जो है राजकीय खेल घोषित किया गया है मलखम्ब को। आपको एक और चीज इसमें जो है ध्यान में रखना है कि मलखम्ब का सबसे पहले जो वर्णन मिला है, सबसे पहले जो वर्णन मिलता है वो जो है किस पुस्तक में मिलता है? आपका मनोल्लास पुस्तक में मिलता है। ये पुस्तक का नाम याद रखना, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो वहीं से मैंने ये लिया था। इसका जो नाम है पुस्तक का वो है मनोल्लास, है ना। मनोल्लास पुस्तक में जो है मलखम्ब को सबसे पहले वर्णित किया गया है और इसको 2013 में जो है मलखम्ब को राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है ना। और इसकी इसके संबंध में हम आगे भी पढ़ेंगे,
जब हम मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको मध्य प्रदेश के सारे खेल, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी और उनके जो खेल संस्थान है मध्य प्रदेश के अंदर, अकेडमीज हैं जो आपकी स्पोर्ट्स अकेडमीज हैं जितनी अलग अलग, उन सब के संबंध में मैं आपको बताऊंगा। वहां पे मलखंभ के संबंध में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप बस इतना याद रखो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, जिसको 2013 में मलखंभ को जो है राजकीय खेल बनाया गया है। और ये इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिला है, तो मनोल्लास पुस्तक में इसका उल्लेख सबसे पहले मिला है आपका। तो ये मध्य प्रदेश की राजकीय फसल और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मध्य प्रदेश की राजकीय नदी। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा नदी है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है आपका, तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक में। कहाँ पे है आपका अमरकंटक में, अमरकंटक कहाँ पे है आपका, तो अनूपपुर जिले में है अमरकंटक। अमरकंटक किस जिले के अंतर्गत आता है आपका, अनूपपुर जिले के अंतर्गत। और अनूपपुर जिले में अमरकंटक से जो है ये नदी उद्गम होता है इस नदी का। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा नदी के संबंध में कई सारे फैक्ट भी हैं। जैसे नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश की रीढ़ बोला जाता है, या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड इस नाम से इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कई सारे फैक्ट है नर्मदा नदी के संबंध में। ये मध्य प्रदेश की दूसरी ऐसी नदी है जो कि पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा की ओर बहती है, यानी कि उल्टी दिशा में बहती है। विपरीत दिशा में बहने वाली दो नदियां हैं अपने मध्य प्रदेश में, एक ताप्ती और एक नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है वो आपकी कहाँ से चालू होती है, नर्मदा नदी अमरकंटक से चालू होती है, पूर्व दिशा से चालू होती है, और जो है पश्चिम की ओर बहते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो वो कौन सा पक्षी है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो दूधराज, या इसको सहा बुलबुल के नाम से जाना जाता है। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज या सहा बुलबुल। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ये कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, ये आ चुका है पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई केचर, दूधराज का वैज्ञानिक नाम है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, सो ये मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह जो हैं अलग अलग उससे क्षेत्र से संबंधित, वो मैंने आपको बताई हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय फसल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। इनको आप जो है अच्छे से लिखें, क्योंकि हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपका इनमें से बनता है। राजकीय चिन्हों में से एक क्वेश्चन जरूर आपका आता है। ठीक है, चाहे वो कैसा भी पेपर हो, मध्य प्रदेश से रिलेटेड पेपर है, तो उनमें से एक क्वेश्चन इसमें से बनना की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्हों के संबंध में मैंने ये आपको बताया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक तथ्यों को हम देखते हैं इसमें। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक तथ्यों में मध्य प्रदेश की बोलियां कौन कौन सी हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, मध्य प्रदेश के जो है लोक नाट्य कौन से हैं, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित दिवस कौन से हैं। ऐसे कुछ हम पॉइंट्स को इसमें देखेंगे और समझेंगे इनके बारे में क्या क्या है ये, है ना। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की बोलियां, तो मालवी भाषा है आपकी मध्य प्रदेश की बोली है। एक्चुअली ये भाषा नहीं है, भाषा कौन सी है, हिंदी है। ये बोली है आपकी मालवी। और ये किन क्षेत्रों में बोली जाती है, निश्चित सी बात है मालवा के क्षेत्र में बोली जाती है। और मालवा के अंतर्गत जो जिले आते हैं, जैसे देवास है, इंदौर है, झाबुआ है, रतलाम है, उज्जैन, सीहोर, नीमच आदि जितने भी क्षेत्र मालवा के अंतर्गत आते हैं, उन सब में मालवी भाषा बोली जाती है। तो ये मध्य प्रदेश की बोली है आपकी।
इसके अतिरिक्त आपका दूसरी बोली जो अपने मध्य प्रदेश में बोली जाती है वो है बुंदेलखंडी। ठीक है, बुंदेलखंडी किन क्षेत्रों में बोली जाती है? बुंदेलखंड के क्षेत्रों में यानी कि दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, इन जिलों में आपकी बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। ठीक है, सर, मैं, हाँ बोलिए। पर इसका फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा सकते, बहुत छोटा दिख रहा है, नोट करने में प्रॉब्लम हो रही है। फॉन्ट साइज तो फुल स्क्रीन पे है ये, है ना? जूम कर लूँ ना उसे। हाँ अब थोड़ा बड़ा हुआ। सर, अब ठीक है। चलो, तो ये मध्य प्रदेश की जो है बघेलखंडी भाषा कहाँ बोली जाती है आपकी? बघेलखंड के क्षेत्र में। बघेलखंड का क्षेत्र कौन सा होता है आपका? सतना, सीधी, सीहोर, शहडोल, रीवा, ये जो क्षेत्र है आपका ये बघेलखंडी क्षेत्र कहलाता है। तो ये बघेलखंडी भाषा वहीं उसी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अब वो अगर अपन नेक्स्ट देखें इसमें तो कौन सी भाषा है? भीली भाषा है। अब भील, कल मैंने आपको बताया था पहले यानी दूसरे लेक्चर में मैंने भील के संबंध में बताया था कि जो भीली लोग हैं या भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में निवास करती है। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले कौन से हैं? धार, झाबुआ, रतलाम, बड़वानी और अलीराजपुर। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आपका जो है भीली भाषा बोली जाती है, भीली जनजाति के द्वारा बोली जाती है इसको पश्चिमी क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो निवाड़ी, निवाड़ी भाषा ये कहाँ पे बोली जाती है? निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। एक्चुअली ये निवाड़ी जो जिला बना है वो नहीं है, ये आपका मध्य प्रदेश का एक जो क्षेत्र है उसको निवाड़ बोला जाता है। और वो क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, पश्चिम दक्षिणी हिस्सा जो है, जिसमें बड़वानी जिला आता है, खरगोन आता है, खंडवा आता है, बुरहानपुर आता है, ये जो जिले हैं आपके ये निमाड़ के नाम से जाने जाते हैं। ये चार जिले, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, है ना? जो अगर अपन आजादी से पहले की बात करें, 1800 की बात करें, उस टाइम पर ये पूरा एक ही था आपका और एक ही राज्य था और उसको निमाड़ बोला जाता था। ठीक है, और उस टाइम पर जो है आपका ये खंडवा, खरगोन के नाम से नहीं था, निमाड़ के नाम से जाना जाता था। बाद में जब आजादी के बाद इसको दो खंडों में विभाजित कर दिया गया, पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़, और उनको नाम दे दिया गया खंडवा और खरगोन। फिर बाद में इसमें दो जिले और बन गए आपके, बुरहानपुर और बड़वानी, ये भी जिले इसके अंतर्गत ही आ गए। तो इस क्षेत्र में जो है निवाड़ी भाषा बोली जाती है, निवाड़ी बोली बोली जाती है आपकी निमाड़ के क्षेत्र में। निमाड़ का क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है आपका? जैसे मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, ये बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर है। ठीक है, ये जो पूरा बेल्ट है ये आपकी दक्षिण वाली महाराष्ट्र से लगी हुई, ये सब आपका निमाड़ के अंतर्गत आता है। तो ये आपको समझ में आया होगा आपका निवाड़ के संबंध में निवाड़ी भाषा। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। अब ब्रज भाषा तो वैसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है ना? उत्तर प्रदेश में जो है मथुरा वृंदावन के क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। बट अगर अपन यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश में कहाँ बोली जाती है, तो मथुरा वृंदावन से लगा हुआ आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर के क्षेत्रों में। ठीक है, ये आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर कहाँ पे आता है मध्य प्रदेश के नक्शे में? मैंने आपसे पहले ही बोला था आप एक नक्शा जरूर ले लें, अगर अभी नक्शा बाजार से नहीं मिल रहा हो तो आप नेट से डाउनलोड करें और नक्शे को कम से कम जो है आराम से 5, 10, 15 मिनट आराम से देखें, एक एक जिले की लोकेशन देखें कि किस किस तरफ है कौन सा जिला, है ना? आप कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में कि जिले का नाम दे दिया जाएगा, कि मान लो आपसे पूछा गया कि शहडोल जिला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण, इस तरीके से क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चन में आपको बता दूंगा जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, लोकेशन वाइज आपसे जिले पूछे जाते हैं कि ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के अंतर्गत या किस दिशा में ये जिला पड़ता है। तो आपको जिलों की लोकेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश के किस दिशा के अंतर्गत पड़ता है, और वो तभी हो सकता है जब आप मध्य प्रदेश का नक्शा अच्छे से देखेंगे
उसको देखेंगे नहीं, आप एक ब्लैंक मैप नेट से डाउनलोड करके उसमें खुद से जिलों के नाम लिखो, है ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तो आपको जिले की लोकेशन अपने आप याद हो जाएगी कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश के किस तरफ स्थित है। तो आपको एक ब्लैंक मैप नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आपका क्लासरूम में शेयर कर दूंगा एक ब्लैंक मैप, वहां पे आपको जिलों के नाम अपने आप से लिखना है कि कौन सा जिला किस तरफ मौजूद है। तो ये काम आपको विशेष रूप से करना है, मध्य प्रदेश के जिलों की लोकेशन आपको याद रखनी है। तो ब्रजभाषा मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाती है। और अंत में है आपका कोरकू भाषा, ठीक है, कोरकू बोली, भाषा नहीं आपकी, कोरकू बोली कहां पे बोली जाती है आपकी, तो कोरकू बोली जो है आपकी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बोली जाती है। कहां बोली जाती है, एक मिनट, तो कोरकू जो है आपकी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बोली जाती है कोरकू बोली, ठीक है। अब होशंगाबाद एक्चुअल में कोरकू एक जनजाति है मध्य प्रदेश की, और इस जनजाति, ये जो जनजाति है ये मुख्य रूप से बैतूल जिले में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है, मध्य प्रदेश के दक्षिण के दक्षिणी क्षेत्र में बैतूल में। अगर अपन नक्शे में देखें इसको तो ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, ये बैतूल है आपका, ठीक है। तो कोरकू जनजाति, कई बार इसका निवास स्थान पूछा गया है कोरकू जनजाति का, तो कोरकू जनजाति बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, इन जिलों में कोरकू जनजाति निवास करती है। जब मैं आपको जनजातियां पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश की, तो मैं हर जनजाति की लोकेशन भी आपको बताऊंगा कि कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में निवास करती है। तो कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करती है, और कहां पे निवास करती है, तो बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, इन क्षेत्रों में निवास करती है। तो कोरकू जनजाति जो है आपकी कौन सी भाषा बोलती है या कौन सी बोली बोलती है, कोरकू जनजाति जो है आपकी कोरकू बोली बोलती है, और ये कहाँ पे बोली जाती है, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, इन क्षेत्रों में ये बोली जो है बोली जाती है कोरकू बोली। तो ये मध्य प्रदेश की बोलियां मैंने आपको बताई पूरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसमें मालवी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, भीली, निवाड़ी, ब्रजभाषा और कोरकू, ये आपको याद में रखना है। अब आपको एक और मैं विशेष फैक्ट बताता हूँ, जो अपना शिवपुरी जिला है, शिवपुरी जिला अलग अलग जगह से, कई इसकी सीमाएं जो टच होती हैं आपकी शिवपुरी जिले की, वो ग्वालियर से भी टच होती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है आपकी मालवी भाषा बोली जाती है। अगर आप पिछोर तरफ चले जाओगे, खनिया दाना तरफ, इस तरफ चले जाओगे, तो वहां पे आपका अलग भाषा, अलग तरह की बोली बोली जाएगी, बुंदेलखंडी बोली जाएगी। यहाँ पर आपका यहाँ टीकमगढ़ छतरपुर लगा होगा, वहां पे बुंदेलखंडी बोली जाएगी। तो यहाँ मिक्सअप बोला जाता है, शिवपुरी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती हैं। अपना जो शिवपुरी है वो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है शिवपुरी का, सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, एरिया वाइज। अगर आप में से किसी को पता हो कि पहले नंबर पे किसका नाम आता है तो मुझे बताएं, किसका नाम आता है पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। छिंदवाड़ा, हाँ जी, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा आपका प्रथम स्थान पर है किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और शिवपुरी जो है आपका द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश की बोलियां बताई सारी, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, ये याद हुई होंगी। मैं जो आपको काम दे रहा हूँ वो आप काम करें, नक्शा जरूर याद करें, मध्य प्रदेश के जिलों की लोकेशन आप याद करें, कहाँ कहाँ पर जिले लोकेट है। अभी नेट पर भी सब जगह मैंने नक्शे देख लिए, अभी केवल 52 जिलों का नक्शा ही मौजूद है, ठीक है। 55 जिलों वाला नक्शा अभी नहीं आया है, अभी तक मार्केट के अंदर नहीं आया है, ना ही नेट पे मौजूद है। तो आप तो इसी नक्शे से काम चलाओ अभी, 52 जिलों वाले नक्शे से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अब मैं नेक्स्ट जो आपको बताऊंगा वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य। यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं लोक नाट्य बता रहा हूँ आपको, मध्य प्रदेश के लोक नाट्य कौन से हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के लोक नाट्य की अगर मैं बात करूं इसमें, तो अभी मैंने आपको राजकीय लोक नाट्य बताया था माच, जो कि मालवा से संबंधित है। ऐसे और भी कई सारे लोक नाट्य हैं, तो मैं एक तरफ आपको क्षेत्र बताऊंगा,
और एक तरफ लोक नाट्य बताऊंगा कि कौन से क्षेत्र में कौन से लोक नाट्य जो है आपके खेले जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सांस्कृतिक रूप से देखोगे तो मध्य प्रदेश को कैसे बांटा गया है आपका, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, ये आपका सांस्कृतिक रूप से डिवाइडेशन है मध्य प्रदेश का, है ना। मालवा क्षेत्र अलग है, बुंदेलखंड अलग है, निमाड़ अलग है, बघेलखंड अलग है, ठीक है। ये सांस्कृतिक रूप से डिवाइडेशन है और इसी के आधार पर मध्य प्रदेश में त्योहार मनाए जाते हैं, लोक नाट्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, ये सब इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर होते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं मालवा की। तो अगर अपन मालवा की बात करते हैं तो मालवा में क्या होता है, माच होता है आपका, ये तो मैं बता ही चुका हूं। इसके अलावा मटकी, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी और तेजा जी की कथा, ये लोक नाट्य हैं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के। कहाँ के लोक नाट्य हैं ये आपके, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के लोक नाट्य हैं, ठीक है। माच, मटकी, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी, तेजा जी की कथा, ठीक है। नेक्स्ट बुंदेलखंड की अगर अपन बात करें तो ये बुंदेलखंड है आपका। बुंदेलखंड में कौन से जिले मैंने आपको बताए थे, बुंदेलखंड में टीकमगढ़ आ गया, छतरपुर आ गया, ठीक है, पन्ना आ गया, शिवपुरी का हिस्सा आ गया, तो ये सब दतिया आ गया, ये सब बुंदेलखंडी क्षेत्र कहलाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है आपका, स्वांग, बधाई, अखाड़ा और नौटंकी, है ना। तो ये आपका मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लोक नाट्य हैं, ठीक है। ये नौटंकी पे तो एक वो भी है आपका, क्या नौटंकी लगा रखी है इस तरह की, तो ये नौटंकी जो है आपका मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र का। अखाड़ा, बधाई और स्वांग ये लोक नाट्य कहलाते हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के। इसके बाद में निमाड़ है आपका, निमाड़ क्षेत्र के। सर, हाँ बोलिए। सर आपने ये जो मटकी नाट्य बताया है, ये तो नृत्य है ना, एक हाँ नृत्य भी नाट्य है और का। नाट्य भी है, ये दोनों में आता है आपका, नृत्य और नाट्य दोनों दोनों में आता है अच्छा, ऐसे ही ठीक आपका एक और है आपका राई, राई का भी नाम आता है, है। लेकिन मैंने इसी वजह से नहीं लिखा था क्योंकि कंफ्यूजन होता उसमें। राई का नाम लोक नाट्य में भी है और लोक नृत्य में भी है, दोनों में है आपका, ठीक है। अब निमाड़ का क्या है आपका, गणगौर, ये निमाड़ का जो है लोक नाट्य है, काठी, डंडा, गम्मत और रामलीला, ये कहाँ के लोक नाट्य हैं आपके, निमाड़ क्षेत्र के लोक नाट्य हैं। निमाड़ क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया ही था कौन से जिले आते हैं निमाड़ क्षेत्र में, वर्तमान मध्य प्रदेश के जो है खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, ये चार जिले जो है आपके निमाड़ के नाम से पहले जाने जाते थे, ठीक है। तो ये आज भी वहां के लोग आग इसको निमाड़ ही बोलते हैं, है ना, सामान्य बोलचाल की भाषा में निमाड़ के नाम से ही जाना जाता है ये। इसके बाद में आपका बघेलखंड की अगर अपन बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र की कलसा, कहरा, दादर और नौटंकी, ये नौटंकी आपका जो है बुंदेलखंड में भी है और बघेलखंड में भी है, ये सीमाएं लगी हुई हैं बुंदेलखंड बघेलखंड की, ठीक है। बघेलखंड में क्या आता है आपका, इधर मैंने आपको बताया था कि जो शहडोल है, अनूप अनूपपुर है, ठीक है, सीधी है, सिंगरौली है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उन क्षेत्रों में ये लोक नाट्य खेले जाते हैं, कलसा, कहरा, दादर, नौटंकी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ और बघेलखंड क्षेत्रों के लोक नाट्य, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नहीं तो अदरवाइज मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाएं अपन, नहीं है कोई क्वेश्चन, मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें एक और मुख्य पॉइंट में लेकर के आया हूं, इसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित दिवस, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिवस घोषित किए हैं, जैसे विधिवत जो दिवस घोषित किए जाते हैं वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किए जाते हैं, इंटरनेशनल डे होते हैं, एक जो है आपका केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं और एक राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ दिवस घोषित किए हैं, तो कौन सी तिथि है और उस कौन सा दिवस है ये मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा घोषित किए गए हैं। तो अगर अपन बात करें 1 नवंबर,
फर्स्ट नवंबर सबको पता है आपका, फर्स्ट नवंबर मध्य प्रदेश का राजकीय स्थापना दिवस है, आपका राज्य स्थापना दिवस है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसको राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 सितंबर, 25 सितंबर आपका लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपका लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 सितंबर को। 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर इसको बेटी बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को एक स्लोगन भी है मध्य प्रदेश का, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान है आपका, तो ये 5 अक्टूबर जो है आपका बेटी बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त, 14 अगस्त को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, या शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 14 अगस्त को, 14 अगस्त को शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जून, 18 जून को आपका महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जून को किसके रूप में मनाया जाता है? महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है आपको ये। और 11 मई, 11 मई जो है आपका वो किस रूप में मनाया जाता है? तो जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो मैंने आपको दिवस बताए हैं ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित है और केवल मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो राज्य सरकार के दिवस, सॉरी केंद्र सरकार के दिवस होंगे वो भी मनाए जाएंगे, लेकिन वो हमने मैंने यहाँ पे नहीं बताए क्योंकि हम एमपी पढ़ रहे हैं, तो एमपी में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित दिवस मैंने आपको बताए हैं। इतने दिवस हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है किसी को, तो अदरवाइज मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार कौन कौन से सम्मान देती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो है मैं आपको सम्मान कौन सा है वो बताऊंगा, ठीक है। और ये जो सम्मान है आपका वो किस क्षेत्र में दिया जाता है वो बताऊंगा, और इसकी स्थापना वर्ष कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके अलावा कुछ और फैक्ट होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो वो आप लिख लेना वहीं के वहीं जहां पे आप लिख रहे हो इसको थोड़ा बहुत। तो सबसे पहला है आपका कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान जो है वो आपका शास्त्रीय संगीत तथा नेतृत्व नाट्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत एवं नाट्य के क्षेत्र में दिया जाता है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान समारोह का आयोजन होता है आपका कहाँ पे होता है? उज्जैन में होता है कालिदास सम्मान समारोह का आयोजन, ठीक है। काफी फेमस है, ठीक है, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में आपका काफी प्रसिद्ध है ये सम्मान समारोह। और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1980 में हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कालिदास सम्मान की, ठीक है। और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी की राशि दी जाती है आपकी? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसमें लिखा नहीं है, आप नोट कर लेना, कालिदास सम्मान के लिए जो है विजेता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो तुलसी सम्मान है आपका, और तुलसी सम्मान जो है वो आपका लोक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका तुलसी सम्मान? लोक कलाओं के क्षेत्र में, ठीक है। और तुलसी सम्मान जो है आपका ये 1983 में स्थापित हुआ, ये 1980 गलत लिखा है आपका, 1983 में इसको स्थापना वर्ष है तुलसी सम्मान का। और इसमें भी आपका 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है तुलसी सम्मान के अंतर्गत, 2 लाख रुपए आपको जो विजेता होता है उसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कबीर सम्मान, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। कबीर सम्मान क्यों प्रदान किया जाता है? नई कविताओं के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी नई कविताओं को या नए कवियों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रदान किया जाता है कबीर सम्मान। 1987 से ये स्थापित है कबीर सम्मान,
और इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए की वर्तमान समय में राशि दी जाती है, 3 लाख रुपए राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं कवि सम्मान के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका लता मंगेशकर सम्मान। क्योंकि लता मंगेशकर कल मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था लता मंगेशकर का, तो इनके नाम पर यहाँ पे सम्मान रखा गया है लता मंगेशकर सम्मान। और ये संगीत तथा गायन के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत एवं गायन के क्षेत्र में। 1984 से स्थापित है लता मंगेशकर सम्मान, और इस सम्मान के तहत जो है 2 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है विजेता को, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि लता मंगेशकर सम्मान सबसे पहले जो गायक थे नौशाद, उनको प्रदान किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लता मंगेशकर सम्मान किसको सबसे पहले दिया गया था, तो नौशाद को सबसे पहले दिया गया था। अपने जमाने के काफी फेमस गायक थे नौशाद, उनको ये जो है सम्मान सबसे पहले प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है आपका तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान, ये तानसेन सम्मान समारोह का आयोजित होता है, ग्वालियर में होता है, सभी को पता ही है आपका, ठीक है। तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है तानसेन सम्मान, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है ये आपका, 1980 से ये सम्मान दिया जा रहा है आपका तानसेन सम्मान। और इसके अंतर्गत भी विजेता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अभी तक जितने चल रहे हैं सब 2 लाख में ही है, केवल एक है ये आपका कवि सम्मान जो 3 लाख रुपए राशि दी जाती है, बाकी सबको 2-2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है, ठीक है। तो तानसेन सम्मान है। नेक्स्ट है आपका शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान आपका जो है हिंदी व्यंग एवं लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी व्यंग एवं लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो है आपका 1992 से प्रदान किया जा रहा है शरद जोशी सम्मान, ठीक है। और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए की राशि शरद जोशी सम्मान के अंतर्गत दी जाती है। और एक और इसके लिए फैक्ट है आपका कि शरद जोशी सम्मान जो है सबसे पहले हरिशंकर परसाई को दिया गया था, ठीक है। एक बहुत बड़े व्यंगकार हैं अपने मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, हरिशंकर परसाई, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके लेख भी पढ़े होंगे अपने सिलेबस में, स्कूल में आपके हरिशंकर परसाई के काफी सारे लेख हैं, तो उनको ये सम्मान सबसे पहले प्रदान किया गया था शरद जोशी सम्मान। 1 लाख की राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका महर्षि वेद व्यास सम्मान, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है ये महर्षि वेद व्यास सम्मान। ये शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों हेतु दिया जाता है, क्यों दिया जाता है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों हेतु महर्षि वेद व्यास सम्मान 2008 से जो है चलन में है, 2008 से ये प्रदान किया जा रहा है महर्षि वेद व्यास सम्मान। 2 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है महर्षि वेद व्यास सम्मान के अंतर्गत। इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान जो है आपका ये भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है, 1987 से दिया जा रहा है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, उर्दू साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जो भी लेखक कार्यरत हैं उनको ये सम्मान प्रदान किया जाता है इकबाल सम्मान। और इसमें जो है 1 लाख रुपए पहले इसका मूल्य था, सम्मान में 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसकी राशि बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी गई है। तो इसमें भी जो वर्तमान समय में राशि प्रदान की जाती है वो कितनी प्रदान की जाती है, 2 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है इकबाल सम्मान के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें चंद्रशेखर सम्मान। चंद्रशेखर सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र में 2006 से प्रदान किया जा रहा है चंद्रशेखर सम्मान। कल मैंने चंद्रशेखर के संबंध में बताया था
चंद्रशेखर जो है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावया क्षेत्र नगर से संबंधित है, उनका जन्म हुआ था वहां पर, और उसका नाम बदल के आजाद नगर कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, और उनके नाम पर ही ये सम्मान प्रदान किया जाता है समाज सेवा के क्षेत्र में। 1 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत जो है विजेता को प्रदान की जाती है। 2006 से ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये कुछ सम्मान मैंने आपको बताए हैं अलग अलग क्षेत्रों से मध्य प्रदेश के सम्मान है आपके, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं कुछ कुछ पुरस्कार हैं, ये तो सम्मान है, कुछ पुरस्कार भी हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वो आगे के चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा आगे जो है उनके संबंध में कौन से पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ये लास्ट स्लाइड है, ये अपना जो मैंने आपको मध्य प्रदेश के भौगोलिक तथ्य बताए थे उसमें ये छूट गया था। ठीक है, तो ये मैं आपको अब बता रहा हूं, इसमें ये स्लाइड रह गई थी, इसमें कुछ फैक्ट है, इसको आप लिख लेना, बहुत कम है। एक तो ये है आपका मध्य प्रदेश में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जबलपुर संभाग है। यहाँ पे संभाग की बात चल रही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है आपका वो शहडोल संभाग है। शहडोल आपका मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, ये तो मैंने आपको बताया था छिंदवाड़ा है, अभी आप लोगों ने बताया था छिंदवाड़ा है, और दूसरे नंबर पर शिवपुरी आता है इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले के अंतर्गत। ठीक है, और सबसे छोटे जिले की अगर अपन बात करें तो नवगठित जिला जो है आपका निवाड़ी, वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वर्तमान समय में। अब जो नए 3 जिले बने हैं आपके, बनाए गए हैं अभी मार्च में, जब उनका डेटा आएगा निकल के आएगा तो हो सकता है ये आंकड़े चेंज हो जाए, निवाड़ी की जगह पे कोई और जिला आ जाए, क्योंकि अभी उसके आंकड़े अभी तक जो है सरकार ने बताए नहीं है। जो नए 3 जिले बने हैं उनमें कितनी तहसीलें शामिल होंगी, कितना क्षेत्रफल होगा, वो अभी कुछ भी बताया नहीं है। अभी केवल उन्होंने उसको घोषित कर दिया है कि 3 जिले बन चुके हैं, अब उसकी अभी जब जानकारी आएगी तब ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं। अभी तो जो है यही आंकड़े आपको याद रखने हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया, जो है आपका जबलपुर है। तो ये जो है आपके फैक्ट थे मध्य प्रदेश के भौगोलिक तथ्य जो मैंने आपको बताया था पहले या दूसरे लेक्चर में ही मैंने आपको ये पढ़ाया था, वहां पे आप इनको नोट कर लेना मध्य प्रदेश के भौगोलिक तथ्य में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा संभाग और बड़ा और छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, सो आज का लेक्चर आप काफी है ना, आज का लेक्चर समझ में आया आप लोगों को, है ना? किसी को कोई परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो अभी, या बाद में भी आप जो है मेरे को व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हो। तो अभी अपन लोग बंद करते हैं, आज के लिए काफी है ना? ओके, गुड नाइट सभी को।